हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सेशन। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम 2021 के लिए मुद्रा और बैंकों से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन हम विद फैक्ट्स देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। आरबीआई अटेंडेंट, असिस्टेंट, ग्रेड बी, आईबीपीएस, पीओ, एसएससी, यूपीएससी और अदर स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कर लेना। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहले आप ये वीडियो देख लो, वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको लगे कि हाँ ये आपके लिए यूजफुल है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखिए। मुद्रा वह धुरी है, सॉरी यहाँ अधूरी नहीं है बल्कि क्या है, धुरी है, ध्यान रखिएगा, मिसप्रिंट हुआ है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थशास्त्र चक्कर लगाती है, यह कथन किसका है? दोस्तों, मुद्रा ऐसी धुरी है जिसके चारों ओर अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स चक्कर लगाता है, यह कथन किसका है? दोस्तों, अल्फ्रेड मार्शल, मार्शल मोनिटर, मोनेटो या अल्फ्रेड वॉटसन, किसका है ये कथन? अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको डेफिनेटली इसका पता होगा और इस तरह के इकोनॉमिक्स के जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के एग्जाम में। जरूर लिखिए अपना आंसर आप लाइव चैट के अंदर या कमेंट बॉक्स में ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड मार्शल जो है इन्होंने कहा था कि मुद्रा एक ऐसी धुरी है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था क्या करती है, चक्कर लगाती है। यहाँ दोस्तों एक वर्ड है मोनेटो और ये इम्पोर्टेंट टर्म है, आप इसको जरूर नोट कर लेना। मोनेटो क्या है दोस्तों? मोनेटो जो है ये ऐसा शब्द है, इससे मनी शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, याद रखना है, मनी की उत्पत्ति मोनेटो शब्द से हुई है, तो इसको आप जरूर याद रखना, ये रिलेटेड है। चलिए अगला प्रश्न है, वैधानिक रूप से कागजी मुद्रा का चलन कब हुआ था? दोस्तों, कागजी मुद्रा का चलन वैधानिक रूप से कब हुआ था ये आपसे पूछा गया है, 1917 में, 1706 में, 1806 में या 1870 में, कब हुआ था बताइए आप। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीन, 1806 में वैधानिक रूप से कागजी मुद्रा का चलन हुआ था। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत में कागजी मुद्रा का चलन कब हुआ था, तो भारत में आपको बताना है 1770 में, ठीक है। इंडिया की अगर हम बात करें तो 1770 में, और किसने ये मुद्रा जारी की थी, तो ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने मुद्रा जारी की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का प्रथम देश जिसने कागजी मुद्रा जारी की, तो विश्व का प्रथम देश जो है वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चीन, ठीक है। चीन ने सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जारी की थी, कब की थी, 19वीं शताब्दी में, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया आपसे वैधानिक रूप से, ठीक है। अगर विश्व में पूछा जाए तो चीन सबसे पहले, चीन ने कागजी मुद्रा जारी की थी 9वीं शताब्दी के अंदर। उसके बाद वैधानिक रूप से दोस्तों बात करें तो 1806 में, और भारत की बात करें तो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने कागजी मुद्रा जारी की थी। तो चलिए यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी मुद्रा जिसका आंतरिक और बाह्य मूल्य दोनों बराबर होते हैं। दोस्तों ऐसी मुद्रा कौन सी होती है जिसका किसी देश के अंदर और किसी देश से बाहर बराबर मूल्य होता है, क्या कहते हैं? पूर्ण आकारिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, कठोर मुद्रा या फिर नरम मुद्रा, बताइए। आपने पढ़ा है तो ये आंसर बताइए आप। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्ण आकारिक मुद्रा कहते हैं, जिस मुद्रा का आंतरिक और बाह्य मूल्य बराबर होता है। यहाँ दोस्तों आपको समझना है क्या वर्तमान में ऐसी मुद्रा प्रचलन में है या नहीं है, ये बात आपको समझनी है। देखिए, ऐसी मुद्रा वर्तमान में प्रचलन में नहीं है, किसी भी देश की मुद्रा ऐसी नहीं है जिसका आंतरिक और बाह्य मूल्य बराबर होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लें डॉलर का, तो डॉलर किसी देश में, डॉलर की जो कीमत है वो ज़्यादा है, किसी देश में कम है। रुपये की बात करें तो भारत में और बाहर के देशों में जो मूल्य है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे आपको मिलता है। तो वर्तमान में इस मुद्रा का प्रचलन नहीं है, यानी पूर्ण आकारिक जो मुद्रा है ये अभी प्रचलन में नहीं है, ये राजा महाराजाओं के टाइम हुआ करती थी।
इसके बाद दोस्तों यहां पर जो सांकेतिक मुद्रा है ये भी समझ लीजिए। सांकेतिक मुद्रा दोस्तों ऐसी मुद्रा होती है जिसका बाह्य मूल्य आंतरिक मूल्य से काफी ज्यादा कम होता है। ठीक है, बाह्य जो मूल्य है वो काफी कम होता है आंतरिक मूल्य से। कठोर मुद्रा के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो कठोर मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा मांग होती है। ठीक है, जिस मुद्रा की ज्यादा मांग होती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसको कहते हैं कठोर मुद्रा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नरम मुद्रा की बात करें तो नरम मुद्रा जो होती है वो अल्प विकसित देशों की होती है, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इन देशों की ये मुद्रा होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऐसी मुद्राओं की मांग बहुत कम होती है, जैसे पाकिस्तान की जो मुद्रा है वो कोई नहीं लेना चाहेगा क्योंकि वो जो मुद्रा है उसकी मूल्य यानी कीमत उसका कम है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी मांग भी नहीं है, तो ऐसी मुद्रा को कहते हैं नरम मुद्रा। तो मैंने इन चारों तरह की जो मुद्राएं हैं इनकी डेफिनेशन आपको बता दी है, आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए अगला है, भारत की मुद्रा कैसी मुद्रा है। अभी मैंने आपको मुद्राओं के बारे में बताया, उनकी डेफिनेशंस बताई, अब आपको बताना है कि जो भारत की मुद्रा है वो कैसी है। सांकेतिक मुद्रा, पूर्ण आकारिक मुद्रा, ग्रीन मुद्रा या फिर ओजोन मुद्रा, बताइए भारत की कैसी है मुद्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सांकेतिक मुद्रा है, भारत में सांकेतिक मुद्रा है जिसका बाह्य मूल्य आंतरिक मूल्य से काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, यानी डॉलर के मुकाबले अगर हम देखें तो जो रुपया है उसका मूल्य काफ़ी ज़्यादा कम है। अब यहाँ पर दोस्तों पूर्ण आकारिक मुद्रा के बारे में मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर जो ग्रीन मुद्रा है ये पर्यावरण के लिए काम में ली जाती है और जो ओजोन मुद्रा है ये ओजोन जो परत है उसके संरक्षण के लिए काम में ली जाती है। जो विश्व के देशों का संगठन है जो ओजोन परत की सुरक्षा के काम लिए काम करते हैं वो ओजोन मुद्रा का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से ब्लैक मनी के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है। मैं ये नहीं कह रहा कि विश्व का सर्वप्रथम मतलब ब्लैक मनी में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, ये नहीं कह रहा हूँ। इनमें से आपको बताना है पाकिस्तान, बांग्लादेश, बोलविया या फिर नाइजीरिया, इनमें से कौन सा देश है प्रथम। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों जो बोलविया है ये प्रथम स्थान पर है इनमें से ब्लैक मनी के मामले में। अब दोस्तों यहाँ आपसे भारत के बारे में पूछा जाए कि भारत में भारत का कौन सा स्थान है, तो दोस्तों अलग अलग रिपोर्ट आती है ब्लैक मनी के मामले में, तो हम उस रिपोर्ट के आधार पर ही आपको जवाब देना है। जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको किसी की रिपोर्ट दी हुई है उसके आधार पर आपको जवाब देना होता है। जैसे दो तीन तरह की रिपोर्ट हर साल निकलती है ब्लैक मनी के ऊपर कि कौन सा देश कौन से स्थान पर है। जैसे अगला क्वेश्चन आप समझिए, अमेरिकन शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की 135 देशों की रिपोर्ट के अनुसार भारत ब्लैक मनी के मामले में कौन से स्थान पर है। ये दोस्तों अमेरिका का शोध संस्थान है, ये हर साल रिपोर्ट जारी करता है, तो 135 देशों की इसकी जो रिपोर्ट है उसके आधार पर भारत जो है काले धन के मामले में या ब्लैक मनी के मामले में कौन से स्थान पर है, ये आपको बताना है। दूसरे, तीसरे, चौथे या फिर पांचवें कौन से स्थान पर है। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चौथे स्थान पर है भारत। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 2, तीसरे स्थान पर भारत आ जाता है। ठीक है, और ये रिपोर्ट कब की है, तो ये रिपोर्ट दोस्तों है मार्च 2020 की। ठीक है, मार्च 2020 की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ब्लैक मनी के मामले में तीसरे स्थान पर आता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण हो चुका है। भारत में कितनी बार विमुद्रीकरण हो चुका है, 7 बार, 1 बार, 5 बार या फिर 3 बार। विमुद्रीकरण का मतलब है डिमोनेटाइजेशन कितनी बार हुआ है। इसका सही आंसर है दोस्तों 3 बार हो चुका है। सर्वप्रथम कब हुआ था, तो सर्वप्रथम हुआ था दोस्तों 1946 में, यानी आज़ादी से पहले 10,000 रुपये का नोट जो है वो बंद किया गया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कब हुआ था, इसके बाद हुआ था 1978 में, और 1978 में जब हुआ तो मोरारजी देसाई की सरकार थी और 1,000 रुपये का नोट बंद हुआ था। ठीक है, इसके बाद कब हुआ तीसरी बार, तो ये आपको पता होना चाहिए 8 नवंबर 2016 में। ठीक है, और इसके अंदर कौन से नोट बंद हुए थे बताने की आवश्यकता ही नहीं होगी क्योंकि आप सब ने देखा है
और नोटबंदी का अनुभव भी किया है। तो तीन बार भारत में अब तक विमुद्रीकरण यानी कि डिमोनेटाइजेशन हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि आज़ादी के बाद भारत में दो बार हुआ है विमुद्रीकरण, ठीक है। 1946 में तो आज़ादी से पहले की बात है, तो आज़ादी के बाद पूछा जाए तो दो बार हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, कालाधन अच्छी मुद्रा का प्रचलन, सॉरी कालाधन जो होता है वो अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देता है, ठीक है। ये जो नियम है ये क्या कहलाता है, जब कालाधन अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देता है यानी हावी हो जाता है। जैसे अभी आपको पता है कि भारत में काले धन में सुधार लाने के लिए और ठीक है आतंकवादियों की जो फंडिंग है वो रोकने के लिए विमुद्रीकरण हुआ, तो वो एक इसका ही एग्जाम्पल है, क्योंकि काला धन जो है वो सफ़ेद धन पर यानी वाइट मनी के ऊपर हावी हो रहा था, इस वजह से डिमोनेटाइजेशन हुआ। तो ये जो नियम है ये क्या कहलाता है, SS का नियम, ग्रेसम का नियम, फेराडे का नियम या विमुद्रीकरण का नियम, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ग्रेसम का नियम कहलाता है, जब काला धन अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देता है तो, ठीक है, तो इसको कहते हैं ग्रेसम का नियम। अगला प्रश्न है, मुद्रा के रखरखाव के लिए कौन सी संस्था का जन्म हुआ, कौन सी संस्था का जन्म हुआ था मुद्रा के रखरखाव के लिए, RBI, बैंक, तिजोरी या वित्त मंत्रालय, बताइए। थोड़ा सा आप दिमाग लगाना इस क्वेश्चन में कि इसका सही आंसर क्या होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को। तो मुद्रा का रखरखाव करने के लिए एक संस्था बनी जिसको हमने कहा बैंक, तो ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर है। RBI मत कर देना गलती से ही, क्योंकि बैंक का जन्म हुआ था और बैंक का जन्म दोस्तों काफ़ी समय पहले हो चुका था। कब हुआ था, विश्व की प्रथम बैंक कब बनी थी, ये बनी थी 1472 में, विश्व की प्रथम बैंक 1472 में कहाँ बनी थी, ये दोस्तों बनी थी इटली में, ठीक है। और इटली में एक शहर है सियेना, क्या नाम है उसका, सियेना नाम का शहर है। 1472 में ये बैंक बनी और आज भी ये बैंक कार्यरत है, ठीक है, आज भी ये बैंक इटली में चालू है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो मुद्रा के रखरखाव के लिए बैंक नामक संस्था का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, बैंक शब्द मूलतः कौन सी भाषा का है, दोस्तों बैंक जो शब्द है ये कौन सी भाषा का है, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या फिर जर्मनी। अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है तो आपको इसका आंसर आना चाहिए, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांसीसी भाषा का शब्द है बैंक शब्द, जो है ये मूलतः बैंकों से बना है, ठीक है, बैंकों से बना है ये, ठीक है, और बैंकों से बैंक शब्द बना है और ये फ्रांसीसी भाषा का है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कहाँ स्थापित किया गया, विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कहाँ स्थापित हुआ था, तो ये दोस्तों हुआ था स्वीडन में, और कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1668 में, 1668 में केंद्रीय बैंक प्रथम बना था स्वीडन में। उसके बाद में दोस्तों स्कॉटलैंड में और फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई थी, ये क्रम से बाद में हुई थी, जैसे 1694 में, 95 में, इस तरह से इनकी बाद में स्थापना हुई थी। तो पहले सबसे पहले 1668 में स्वीडन में ये बैंक बना था केंद्रीय बैंक। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, पसंद आया हो तो लाइक करके जाना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।